रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के लिए आज 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की ओर से तुलसीराम शर्मा ने नामांकन दाखिल किया तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर राधा कृष्ण व प्रवीण ठाकुर ने अपने नामांकन भरे। आपको बता दें कि तुलसीराम हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आजाद उम्मीदवार राधा कृष्ण देरा विधानसभा क्षेत्र व प्रवीण ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पटलांदर पंचायत से संबंध रखते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की संख्या अब 11 हो गई है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच रहेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के लिए आज 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की ओर से तुलसीराम शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर राधा कृष्ण व प्रवीण ठाकुर ने नामांकन पत्र भरा है। आपको बता दें कि तुलसीराम हमीरपुर जिला के वडसर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आजाद उम्मीदवार राधा कृष्ण देहरा विधानसभा व प्रवीण ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पटलांदर पंचायत से संबंधित है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की संख्या 11 हो गई है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही रहेगा। नामांकन पत्र भरने के बाद राधा कृष्ण ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है और विकास करवाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद ने विकास को लेकर रुचि नहीं दिखाई है और मौका मिलता है तो काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि बेरोजगार की समस्या बहुत है, हमारे युवा जो है वो, और ये बिल्कुल सत्य है कि सरकार हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती। क्षेत्रीय स्तर पर अगर ये रोजगार ढूंढे जाएं तो मेरे पास कुछ आई हैव समथिंग, लेकिन वो तभी है जब मुझे जनता जो है ये कार्य करने का सौभाग्य देगी तो मैं उन सब के लिए करूँगा। दूसरा ये है कि नेशनल समस्या है गायों की, किसान सब बेकार हो गए हैं, उसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर सरकार के स्तर पर और सब ग्रामवासी मिलकर यदि कोई योजनाएं बनाए तो ये काम हो सकता है। अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले भी हमने कभी चुनाव लड़ा है? हाँ, मैंने लड़ने की कोशिश की थी बट आई कांट, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी हो गई कि जिसके लिए मैं नहीं कर सका। तो इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए, ट्राई करना तो चाहिए, आगे तो आए, उसके बाद तो बाद की बात है। आप भी मेरे वोटर हैं, आई थिंक कि आप मुझे वोट अवश्य देंगे। आपका प्रोफाइल क्या है? अब मेरा प्रोफाइल तो मैंने बता दिया ना, क्योंकि अभी प्रोफाइल तभी बनता है जब कोई किसी चीज़ के लिए परफेक्ट हो जाता है। इफ़ यू चूज मी देन आई, मेरा प्रोफाइल मेरे सामने आएगा। वहीं इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के उम्मीदवार तुलसीराम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों के द्वारा केवल मात्र झूठे वायदे ही किए जा रहे हैं और अगर मुझे जनता वोट देती है तो संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। हम बहुत सारे मुद्दों जिनको मैं जो है चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं है जैसे अनुराग ठाकुर जी, रामलाल जी, अन्य कैंडिडेट हैं। तुलसीराम शर्मा जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो मुद्दों पर आधारित है। मेरे मुद्दे 9 या 10 होंगे। उनमें से सबसे पहले मुद्दा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं एक जिम्मेदार हूँ, बेसिकली मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। तो बात ऐसे है, किसान का बेटा होने के नाते आजकल जो है पशुओं, आवारा पशुओं और आवारा बंदरों और बेसारा पशुओं के से की भरमार लगी है। इसकी वजह से बहुत सारे जो इज ए कैंडिडेट फॉर फ्रॉम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हूँ, मैं इनसे मुद्दों पर आधारित जो है किसानों की समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बेसिकली जैसे आवारा पशु हैं, बंदर हैं, है जी, और भी देरा बहुत सारे, मैं मेरा लिखित रूप में आ जाएगा इसके बारे में मैं क्या करना चाहता हूँ और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना हूँ। मेरे 9 और 10 मुद्दे हैं, वो आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे।